अच्छा बॉर्डर पढ़ लिया, तो बॉर्डर बॉर्डर अच्छा एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से। हाँ जी बताइए। किसी ठीक है, चलो अब देखोगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज सिखाने वाला हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, आपको एंकर टैग तो याद होगा, एंकर टैग याद है। जब भी हम एंकर टैग यूज करते हैं तो क्या होता है, पता है सबको? एंकर टैग यूज करने पे क्या होता है, टिकट डलाना आती है, ये याद है? भूल गए क्या सब लोग क्या? तो ये तो इसको किससे हटाते हैं अपन? हाँ तो आप क्या लगाते हो? मैं लगा ए टैक्स डेकोरेशन नन, ये लगाते हो ना, टैक्स डेकोरेशन नन। इससे क्या होता है, जनरल लंग हो जाती है। अब और देख, इसी की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं हम लोग। हम लोग क्या सीख रहे हैं? CSS3 की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक लिखा H1, लिखा मैंने यहाँ पे हेलो ग्वालियर। तो आपने दो टास्क कर लिए है ना, सब लोग ने, एक फूड पांडा और एक ब्लॉग के सारे पेजेस। तो इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ आपके कोडिंग में? क्या हुई नहीं हुआ? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सारे लोग थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया कितने से? फिर तो ठीक है। अब देखो, हमने एक H1 लिया, H2 H3। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं लिखा H1 और लिखा मैंने टैक्स डेकोरेशन अंडरलाइन। देखो मैं किसकी प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ आपको, अब टैक्स डेकोरेशन की अंडरलाइन, अंडरलाइन आ गई है ना। और इसी में लगा लो टैक्स डेकोरेशन और यहाँ पे कलर, तो कलर कर सकते हैं अपन, जो आती है अंडरलाइन उसमें कलर हो गया है ना। और वैसे कलर देना चाहो, कलर ब्लू वैसे तो कलर। देखो ठीक है, अब H2 देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, लाइन थ्रू सिखाया था। लाइन थ्रू जानते क्या करता है? देखो ये क्या कर रहा है, लाइन थ्रू दिख रहा है, लाइन काट रहा है ना। तो ये काम किससे करते थे? DEL से, याद है? तो याद होगा DEL, हाँ है ना। और अंडरलाइन किससे करते थे? U से। तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन से भी कर सकते हैं अंडरलाइन, ठीक है ना। कभी जरूरत पड़ जाए HTML से कर, CSS से करने की, तो हमें पता तो होना चाहिए कि CSS से किससे होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। देखो ओवरलाइन समझते हो, ऊपर लाइन आ जाएगी, देखो आगे ऊपर लाइन। तो ये क्या होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है। ब्लू लगा दिया, देखो ओवर लाइन आ गई, ओवर लाइन। तो क्या होता है टेक्स्ट डेकोरेशन से, सबसे पहले हम एंकर टैग के अंदर जो अंडरलाइन आती है उसको गैप कर लेते हैं, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन से अंडरलाइन लगा लो, टेक्स्ट डेकोरेशन से लाइन थ्रू कर लो, टेक्स्ट डेकोरेशन से ओवरलाइन कर सकते हैं, है ना। नोट करो, एक बनाओ फाइल टेक्स्ट डेकोरेशन .html, सो बनाओ एक फाइल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के नाम से। अब देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है वो समझाओ। जैसे मान के चलो यहां पे एक H1 लिखा हुआ है, चलो क्लाइंट ने कहा यार ये जो H1 है इसको कैपिटल में लिखो पूरा,
ये पूरा कैपिटल में आना चाहिए। मान लीजिए क्लाइंट ने कंटेंट दिया, बोला कैपिटल में कंटेंट पेस्ट करो पूरा, तो फिर आप कंटेंट दिया उसने लोअर केस में, तब क्या यूज करोगे? टेक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस, क्या होगा? कैपिटल में जो हो जाएगा, हो गया अलोवालियर, है ना। अब मान के चलो क्लाइंट ने कोई कंटेंट दिया जो कैपिटल में है, जैसे यहाँ पे देखो एच टू जी कैपिटल में, बोलता है कि लोअर में पेस्ट करो, लोअर में पेस्ट कर डालो का डेटा, क्या लगा दोगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। अब क्लाइंट कहता है कि देखो लिखना एच और आर, इन सब का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो क्या लिखोगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइजेशन, ठीक है। क्या हुआ, देखो पहले लेटर कैपिटल हो गया, सबके पहले लेटर कैसे हो गए? कैपिटल हो गए, है ना। ये क्या होती है? टैक्स ट्रांसफॉर्म की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इसी में आप लगाना चाहो तो आपको मैंने टैक्स शैडो सिखा दिया। टैक्स शैडो देखो, हाँ तो टैक्स शैडो देख लो। चलो मैंने कर दिया 5 पिक्सल, ऐसे काम करता है सेम वेट, ठीक है। देखो एडवारी देखो पीछे टैक्स के, और यहाँ पे लिंक क्लिक किया, बॉक्स हेड तो पता नहीं सबको। देखो अब फाइव कहां से काम करेगा, ये पहला वाला फाइव, जस्ट ये स्पेक्ट एलिमेंट करना सीख गए ना सब लोग, है ना। लेफ्ट पहला वाला कहां चल रहा है? लेफ्ट से राइट की ओर, है ना। और दूसरा वाला फाइव पिक्सल टॉप से बॉटम, ठीक है। और तीसरा वाला कहां से फैट ब्ला कर देगा, ठीक है। तरीका वो ये जैसे अपन वो करते हैं शैडो वाला, और ये वाला कलर के लिए होता है, ठीक है ना। टैक्स शैडो, और एक होता है नीचे आता हूं पी लगाया, अब देखो मैंने पी टैग लिया, पी टैग लिखा बॉर्डर सॉलिड, ज्यादा चलता हूँ कोई बॉर्डर देखा बॉर्डर जी। अब मैं चाहता हूँ जी हलो जी कहाँ से स्टार्ट हुआ? आगे से स्टार्ट हुआ। मैं चाहता हूँ थोड़ा पीछे स्टार्ट हो, मैं क्या लगा दूंगा? टैक्स इंडेंट, टैक्स इंडेंट से लगा, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको, पचास पिक्सल। अब देखो दिखा, देखो और एक्सपेक्ट करता हूं, देखो कैसे काम करता है। देखो यहाँ पर टैक्स इंडेंट, देखो अब देखो 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 सक रहा है। तुम चाहते हो कि लेटर यहां से स्टार्ट हो, इतना गैप रहे, तो अपन क्या यूज कर लेते हैं? टैक्स इंडेंट यूज कर लेते हैं। समझ आया टैक्स इंडेंट? चलो नोट करो इसको। देखो ये क्या चल रहा है, इसको बोलते हैं मार्क्यू, इसको बोलते हैं हम क्या? मार्क्यू बोलते हैं, मार्क्यू ना। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल लिखा मैंने, देखो मार्क्यू टैग स्टार्ट किया, मार्क्यू टैग एंड किया, और लिखा यहाँ पे मैंने हेलो आईटीएम। ये आपके सामने यहाँ पे चल रहा है, देखो ये आराम से हमेशा ये राइट से चलता था, राइट से। अब मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड बढ़ जाए, तो अपन इसके अंदर क्या लिखते हैं? स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके अंदर? स्क्रॉल अमाउंट, मैंने कर दिया 50। अब देखो आप स्पीड फास्ट होगी, बहुत स्लो कर दें, टू कर दो, देखो स्लो स्लो हो जाएगा, देखो चल रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। क्या अटक का ना, सही चल रहा है। सही चल रहा है, ये कर लो यहाँ पे, कितनी स्पीड ले लो।
कहाँ रुक रहा है? मैं तो कहीं निकल रखते हुए सीधा सीधे चलता रहा है, कहाँ रुक रहा है? अब देखो, अब डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो उसकी, तो डायरेक्शन चेंज कर लो, अप डाउन तो देना चाहो, अप ऊपर से नीचे आ जाएगा। हाँ, सब होगी। देखो देखो दिखा, देखो थोड़ा स्लो कर देता हूँ। देखो देखो दिखाते, देखो दारू पर जा रहा नीचे से ऊपर, देखो और डाउन कर दो तो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये क्या था? अब सिंपल सा मीनू। अब इसके अंदर आप इमेज लगाना चाहो इमेज लगा सकते हो, आपको तो जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो इसके अंदर आप लोग। देखो दिखाता हूँ लगा के। देखो वो तो डिजाइन, वो तो डिजाइन तुम सेट करोगे ना भाई, तुम्हारे अकाउंट चलता रहेगा वो तो। जब डिजाइन बनाओगे ना तो उसमें सेट कर लेना। देखो आप देखो सही तरीके से दिख रहा हो सब तो। दिख रहा है चलते हो इमेज है? देखो चलती नहीं रहती, एडिटिंग चलती रहती है ऐसी। और क्या, तभी तो चल रहा है, तभी तो चलेगा वो। तो डिजाइन अपने ऊपर है। देखो सिंपल से, तो सिंपल से ही होता है मार्केटिंग एक तरह का। ठीक है, अब हमने क्या किया देखो, इसमें मैं एक एक समझाता हूँ। हमने क्या किया, एक डिप बनाया, एक क्लास नहीं ए नाम की, और इसके अंदर मैंने मार्क्यू पेस्ट कर दिया, जो मार्क्यू दिख रहा है। और इसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई है, ये इमेज कौन सी है? ये वाली इमेज जीआईएफ इमेज है, दिख रही है ये न्यू न्यू ये जीआईएफ इमेज है। और फिर मैंने इसी के अंदर क्या डाल दिया, ये कंटेंट डाल दिया। ठीक है, अब इस ए पे मैंने क्या किया होगा, देखो वो स्टार लगाया, मार्जिन पैडिंग बॉर्डर बिट हाइट बैकग्राउंड हाई कलर दे दिया, सिंपल सा डिजाइनिंग तो आती है ना, बस बाकी नुमा के लगा हुआ। ऐसे हमने इमेज पे किया काम। देखो इमेजों पे, देखो इमेज लिया, मार्क्यू के अंदर मैंने इमेज डाल ली खूब सारी। अब देखो ये लिखा है एट द रेट NBSP, जानते हो ये क्या करता है? दो चीज के बीच में स्पेसिंग देता है, स्पेस स्पेस। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है, अब मैं ये हटा दूं यहां से। देखो सिंपल लिखा हेलो ग्वालियर, तो दिख रहा है नीचे, दिख रहा है हेलो ग्वालियर, ये देखो हेलो ग्वालियर चला जाए। तो अब इनके बीच में चाहते हैं आप और स्पेसिंग आ जाए हेलो ग्वालियर के बीच में, तो आप क्या लगा दोगे? ये लगा दो एट द रेट NBSP, क्या लगाओगे? एट द रेट NBSP, सेव करना तो स्पेसिंग आ जाएगी। देखो आ गई, देख रहा है स्पेसिंग। और चाहते हो और आ जाए तो एक और लगा दो, दो लगा, जितने आपको दो चीज के बीच में स्पेसिंग चाहिए उतने आप NBSP लगा दो। ठीक है, आई बात समझे? स्क्रॉल अमाउंट पता ही है, डायरेक्शन ऐसे यहाँ पे ये काम किया मैंने, तो ये नोट मत करो, ये मैं आपको चैट में दे रहा हूँ। ठीक है, माइक बंद कर लो, ये मैं चैट में दे रहा हूँ, ये चैट से ले रहे सब लोग चला के देखो। ये मैं डिब वाला भी दे रहा हूँ आपको, एक व्हाट्सएप ये लोग को, एक मिनट बाकी चैट में दे दिया मैंने, CSS दे देता हूँ, ये व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ ठाके पूरा पूरा। तो व्हाट्सएप से चलो ले लो, एक बार चला के देख लो उसको। ठीक है जी, मैंने पूरे डाल दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है, ग्रुप कौन सा है? हेलो, ठीक है व्हाट्सएप से ले लो, चला के देखते हैं एक बार लीजिए, मार क्यों चला चला आपके। चलो अब देखो, चलो चलो अब देखो, पढ़ाता हूँ।
नहीं है, तो मैं क्लास में ये नाम की, ठीक है, और मैं यहां पे लगाया मैंने स्टाइल, लिखा मैंने डॉट ए, लिखा मैंने बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर की मैंने विड्थ सेट कर दी 300, हेड सेट कर दी मैंने 300, और इसमें दे दिया मैंने बैकग्राउंड में रेड कलर, ठीक है। तो अभी मैं रन करूंगा ब्राउजर पे, तो कुछ आपको रेड रेड दिख रहा है अंदर से। अब मैं इसके बल्दी, रेड के बल्दी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आरजीबी, 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 आरजीबी मतलब होता है रेड ग्रीन और ब्लू, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू। अब बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर, अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा है 000, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आएगा अभी, कौन सा रहा है, जब तीनों में 0 है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आएगा, 0 ब्लैक, ये रखना। अब मैं करता हूँ रेड के लिए, कलर कोड होते हैं 54, कुछ मैं लगा 542, देखो रेड हो गया, देखा है 254, ये कलर कोड होते हैं कलर कोड। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 0, मैं लगता हूँ 254 ऐसा कुछ, तो ग्रीन, और ऐसे ही लग देता हूँ 254, ये कुछ कलर कोड होते हैं ऐसे, ये कर दी 0, ठीक है। अब क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन में पेंटिंग किया कहीं, पेंटिंग क्यों सारे लोग सामने करी होगी, पेंटिंग में आप क्या करते थे, दो तीन कलर मिक्स कर लेते थे, याद होगा पेंटिंग के टाइम पे आप लोग क्या करते थे, दो तीन कलर का, दो तीन कलर मिक्स करके एक नया कलर बनाते थे, अगर याद हो तो आप लोगों को, याद है, दो तीन कलर लिए मिक्स कर दिए एक नया कलर बनता था, याद है, वही एक तरह का यहाँ पे काम, वही एक तरह का यहाँ पे काम होता है। अगर मैं आप लिख दूंगा अभी 100, ऐसे कुछ लिख दे, कुछ भी लिख दो कलर कोड, अब देखते हैं कौन सा कलर बनता है, तो ये कलर बन गया, ठीक है। अब इसमें डाल देता हूँ 100, अब देखता हूँ कौन सा कलर बना रहा है, ये देखो ये बना दिया, इसमें डाल दो 100, ये कौन सा बना रहा है, देखो ये बना रहा है, ठीक है। तो कुछ अब इसमें कुछ ज्यादा कर दो, 200 कर दो, कुछ और बन गया है ना। तो इस तरीके क्या करते हैं, इनको मिक्स करके हम कुछ कलर कोड बना सकते हैं बस, ठीक है। ये हमारा काम किसमें होता है, आरजीबी में। अब एक चीज देखो, मैं अगर इसी कमेंट करूं और मैं लिखता हूं बैकग्राउंड RGBA। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां पे इसके अंदर बॉडी के अंदर बॉडी ये लगाता हूं बैकग्राउंड URL IMG के अंदर टू डॉट जीपीजी, चलो कोई भी लगा दो, तो चेक करना है तो 2.jpg, ठीक है, 100% कर देता हूँ। अब देखो पीछे, अब देखो आपको दिख रहा है, इसके पीछे इमेज दिख रही है, बैकग्राउंड पीछे जो आपने बॉक्स बैकग्राउंड का इमेज आ गई। अब आपने जो ये बॉक्स बनाया ना, ये बॉक्स ये जो अपना बॉक्स सबको दिख रहा होगा ना, सबको बॉक्स दिख रहा है। अब इस बॉक्स के पीछे वाली इमेज दिख रही है आपको कहीं, छुप गई ना, अब क्लाइंट बोलता है कि नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको सिखाया था ना, वो ट्रांसपेरेंट कलर कर लेते हैं, याद है ना, वही सेम काम यहाँ पे क्या करता है, ऑपोसिटी कम कर देते हैं। तो हमने अभी क्या लिखा, RGBA, ए का मतलब क्या होता है, अल्फा, बाकी तो पूरा वही है, रेड ग्रीन ब्लू, ए मतलब अल्फा होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या चला रहा होगा, ब्लैक चल रहा है। देखो अब देखो ऑपोसिटी कैसे चलती है, ऑपोसिटी चलती है 0.1 से स्टार्ट होती है, 1.0 तक जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 0.1 करूं, देखना ब्लैक की ओपेसिटी कम हो जाएगी, देखो ब्लर हो गया, हल्का हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब मैं बढ़ाता हूं,
टू करता हूं, देखो अब थोड़ा देखा ब्लब, और फाइव कर देता हूं, देखो दिख रहा है था ऑपोसिटी। तो ए क्या करता है यहां पर, एक तरह का ऑपोसिटी कम करता है, समझ आ रहा है ना? अल्फा का काम क्या होता है, एक तरह का ऑपोसिटी कम करना। अब मैं आपको कुछ कलर कोड डाल देता हूँ, 2.4, देखो दिख रहा है ऑपोसिटी कम, बाकी वही है रेड ग्रीन ब्लू, ये मतलब होता है ऑपोसिटी कम करना। या तो आप ऐसे कर लो, वही अपन वैसे ही करते थे स्पेक्ट करके, याद है? याद नहीं है ये सब लोग? देखो देखो ये याद है, ये फूड पांडा मैंने किया था, याद है ना? हाँ, तो वही काम हो रहा है। देखो अगर हम नीचे जाके देखो ना, जब इस पे क्लिक करना तो वही चीज है, देखो दिख रहा है? दिख रहा है? हम वैसे कर देते थे, है ना, हम ऐसे कर देते, ये कोड से कर लो। आई बात समझ ऑपोसिटी, तो डिफरेंस समझ आ गया ना, आरजीबी और आरजीबी क्या होता है, क्लियर? अब एक चीज और देखो, अब मान के चलो मैंने क्या किया, इसी के नीचे मैं लेता हूँ, देखो पी पी की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, बताया आप लोगों को? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होता है, कितना होता है देखो, दिख रहा है मुझे? ये देखा, ये देखा, ये हेलो, ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ पी, देखो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, देखो कोई चेंज नहीं होंगे, देखो देखो सेम है, देख लो सेम है ना, पी बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। अब चाहे मैं ऐसे लिखूं 16 पिक्सल, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, 1 REM, लिखने का तरीका, 1 REM कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। अंतर आया? वैसे ही। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 2 REM, 2 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, देखो अंतर आ गया, दिख रहा है ना, 32। अब चाहे मैं ऐसे लिख लूं, है ना, और चाहे मैं ऐसे लिख दूं 32 पिक्सल, देखो सेम चीज है कि नहीं, क्यों सब लोग सेम है ना, चाहे कैसे भी लिख लो। अब ये बताओ, अब मैं अगर ये लिखता हूं 1.5 REM, तो ये कितना होगा, 24, 24 होगा, नहीं होगा, इतना आ रहा है इतना, ठीक है? तो समझ आया ना? अब वैसे ही होता है ईएम, अब ईएम बहुत कम चलता है, पहले चलता था ईएम, ईएम तो ईएम भी वही रहता है कि 1 PM मतलब 16 पिक्सल, ठीक है याद रखना। तो चलता है ज्यादातर क्या है, REM ही चलता है। और बहुत अब कहीं तुम्हें दिख गया REM लगा हुआ, तुम सोचो कि REM क्या करता होगा, पता ही नहीं है, तो बस पता होना चाहिए कि 1 REM 16 पिक्सल होता है ना, इतना आप लोग याद रखना तो माइंड के अंदर। अब नोट कर लो ये, अब नोट कर लो सब लोग, देखो CSS इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जब CSS नहीं अच्छे से आएंगी चीजें तो आगे काम नहीं कर पाओगे ना। स्टार मार देन 0, फिर डॉट नेव, तो ये तो करते थे मिलू किया, देखो यही तो करते थे सब लोग, याद है? अब सबको याद होगा। अब क्लाइंट ने कहा कि इसमें 2 कलर मिस कर देना, फिर कैसे करोगे? हाँ क्या यूज करेंगे?
लीनियर बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर लीनियर आ के ना भाई एक लिखना था बैकग्राउंड से आएगा वो क्या आ रहा है देखो आया क्यों नहीं देखो बैकग्राउंड लिखा मैंने लिखा लीनियर ग्रेडियंट। अब इसमें पता फायदा क्या मिलता है आप एक साथ इसमें दो कलर यूज कर सकते हो दो से कई ज्यादा देखो आगे दो कलर यहाँ पे देख रहे हैं अब दो कंपल्सरी हैं आप सोचो एक यूज कर लो तो देखो एक नहीं चलेगा यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर आपको दो कलर तो लेके चलने ही पड़ेंगे दो तो ऐसा कंपल्सरी मांगे चलो आप फिर दो से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हो देखो अब येलो कर लो ठीक है वाइट कर दो ठीक है तो कितने भी कर सकते हो इसके अंदर दो तो कंपलसरी रहते ही हैं देखो अब मैंने इसमें क्या किया मैंने लिखा रेड कमा ब्लैक देखो बाय डिफॉल्ट ये चल रहे बाय डिफॉल्ट अब मैं इसमें कर देता हूँ टू आर आई जी एस राइट से चेंज हो गया क्या लिखा मैंने टू राइट रेड और ब्लैक कर दिया देखो सब डिजाइन दिख रहा है लोकेशन चेंज हो गई देख पा रहे हो ऐसी बॉटम लेफ्ट से देखो लेफ्ट से क्या होता है देखो लेफ्ट से हो गया ऐसे बॉटम से कर सकते हो है ना बस इसमें एक चीज आप याद रखना कि जब भी हम यूज करते हैं ना लीनियर ग्रेडियंट तो हमें दो कलर एक साथ यूज करने पड़ते हैं ठीक है बात समझ आई आपको इतनी नोट करो इतना किसी को माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो अब बात करते हैं मैक्स विड्थ क्या होता है मैक्स विड्थ और मिन विड्थ क्या होता है ये समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैक्स विड्थ समझना तो आप यहां पे देखो आपको यहां पे एक इमेज दिख रही होगी देखो अभी जो 100% है अभी मेरी इमेज कितनी है 100% है तो अभी अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती देखो देखो अभी कुछ हो रहा है अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है देखो मैं छोटा कर रहा हूँ देखो कोई दिक्कत आ रही कुछ भी आप खुद देख लो साथ साथ देखो हमारी इमेज छोटी हो रही है दिख रहे हो ना सब लोग देखो और कोई स्क्रॉल आ रहा है बॉटम में कहीं देख सकते हो कहीं कुछ स्क्रॉल आ रहा है क्या नहीं आ रहा ना नहीं वो तो आएगा ही आएगा वो तो ऊपर नीचे है ना ये नीचे कहीं आ रहा है स्क्रॉल और इमेज की कट रही है आपकी देखो जैसे जैसे मैं विड्थ कम कर रहा हूँ वैसे वैसे आपकी इमेज छोटी हो रही है सब लोग है ना देखो है ना मगर जब मैं यहाँ पे जब विड्थ है ना इसको मैं कर दूं 900 पिक्सल या कर दूं 1100 पिक्सल ठीक है मैंने कुछ ऐसा कर दिया किसको जो डिब है ना इसका साइज मैंने कितना कर दिया 1100 पिक्सल कर दिया कितना कुछ कर दी मैंने इमेज कितने कर दी मैंने ये डिब है ना ये डिब इसका मैंने साइज कर दिया कितना विड्थ कर दी 1100 पिक्सल ठीक है तो अब देखना क्या होगा अब देखना जैसी मेरी विड्थ 1100 से कम होगी तो वह देखना इसमें स्क्रॉल आ जाएगा देखो आ गया देख पा रहे हो सब लोग हाँ चलो गया और इमेज कटने लगी देखो
कट गई मैच पूरी, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, है ना। इमेज ही कटना चाहिए। आपने 100% कर रखा था तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मांगा चलो हमें 100% नहीं रखना, हमें इमेज इतनी बड़ी रखनी है। तो फिर इसी को छोटा करना चाहे तो जो स्कॉल आ गया ना, तो पंगा हो गया इसमें, है ना। तो इसी के लिए हम लोग लगा के चलते हैं। अगर 100% है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब 100% से कम है तो फिर पंगा करेगा। तो इसलिए लगा के चलते हैं मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ, ठीक है। अब देखना इससे क्या होगा, देखो सो देखो भाई, देखो अब मैं छोटा कर रहा हूं, देखो इमेज साथ साथ छोटी हो रही है, देखो 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 है। हाँ वही मेन पॉइंट समझाना था। 100% है तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जब आपने बिर्थ सेट बिर्थ आपने कहा कि नहीं बिर्थ तुम्हारी 1100 पिक्सल हो इमेज की, आपको इतनी बड़ी इमेज रखनी है। अब जैसे ही स्क्रीन का साइज 1100 से कम हो रहा था तो कहीं स्क्रॉल आ रहा था, नहीं आ रहा था क्यों सारे लोग, देखो अभी भी आ जाएगा, देखो इमेज कट गई। अब मान के चलो किसी ने इतनी छोटी स्क्रीन करी, अब उसकी इमेज कैसे दिख रही है, वो ऐसे ऐसे चेक करेगा ऐसे। तो इसलिए हम क्या लगा चलते हैं, मैक्स विड्थ। अभी आगे चल के इसका बहुत यूज होगा, मैक्स विड्थ का बूट स्टार्ट जब पढ़ोगे, मीडिया क्वेरी पढ़ोगे तब। अब देखो उसी चल रहा है, जैसे जैसे मेरी स्क्रीन छोटी हो रही है तो इमेज साथ साथ में छोटी हो रही है, देखो देखो है, समझ आया कि नहीं आया। अब मिन विड्थ क्या होती है, मिन विड्थ देखो, मिन विड्थ क्या, अब मैं लगा दिया मिन विड्थ। अब मिन विड्थ से क्या होगा, जैसे आपकी विड्थ यहाँ पे कर देता हूँ 900, जैसे आपकी विड्थ 900 से कम होगी तो उसको लाना चालू हो जाएगा। देखो देखो अभी कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं, जैसी विड्थ 700 से कम होगी देखो आगे स्क्रॉल आ गया, देखो मेन विड्थ लगाने पे ही, देखो आ गया स्क्रॉल मेन विड्थ लगाने पे, ठीक है। तो मैक्स समझ में आ गया, मिन समझ में आ गया, चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है।